अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, मैं अब्दुल रज़ाक सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बोलचाल में आपका इस्तकबाल है। इंग्लिश बोलचाल में हम सीख रहे हैं इंग्लिश को किस तरह से बोला जाता है और इंग्लिश को किस तरह से अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए, हम इंग्लिश को इम्प्रूव बनाने के लिए सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले है पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, यह है इसको उर्दू में कहा क्या जाता है। इसको कहा जाता है कि अज्जाए कलाम, बात करने के जो हिस्से हैं, अज्जा हैं, उसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आठ है, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, ये सारी चीज़ें हमको समझना बहुत ज़रूरी है। इसी में से एक आज हम देखेंगे प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन कहते किसको हैं, ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। ये इसको उर्दू में कहा क्या जाता है, इसको उर्दू में प्रीपोजिशन को उर्दू में कहा जाता है हुर्पे जार। हुर्पे जार कौन से हैं, इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है, ये छोटी छोटी बातों को हमको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इन छोटी बातों को समझ नहीं पाएंगे तो हमको लिखना और समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए, जैसे अब हुर्पे प्रीपोजिशन का माना क्या है, देखिए इसका तारीफ क्या होती है। ये ऐसा हुर्फ जो दो नाउन या फिर प्रोनाउन को दोनों को जोड़ने का काम करता है या इनका रिलेशन बताता है, इनका ताल्लुक बताता है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे। चलिए इसकी तारीफ क्या देखिए, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शो द रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विथ एनी अदर वर्ड इन सेंटेंस। सेंटेंस के दूसरे वर्ड के साथ जो ताल्लुक बताता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे। जैसे देखिए, ऐसा लफ्ज़ जो नाउन और प्रोनाउन के अंदर का रिलेशन बताता है, ताल्लुक बताता है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे द बॉल ऑन द टेबल, द बॉल ऑन द टेबल, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है। बॉल यहाँ पर क्या है, नाउन है, और टेबल ये क्या है, नाउन है। दोनों नाउन को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, ऑन कर रहा है। बॉल कहाँ पर है, जगह बताने का, प्लेस का बताने का काम कर रहा है, जगह बताने का काम कर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन। अभी बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ से होता है, किस तरह से होता है, हम इसको एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हम देखते हैं प्रीपोजिशन किसको कहते हैं। देखिए, प्रीपोजिशन जो है दो वर्ड से बना है, एक है प्री और दूसरा है पोजिशन। प्री का मानी होता है पहले और पोजिशन का मतलब होता है जगह, सतह। अब प्रीपोजिशन पहले की जगह। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती है, हम उसको एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, प्रीपोजिशन के अंदर तीन बातों को अहम माना जाता है और तीन बातों को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है डायरेक्शन। प्रीपोजिशन के अंदर सबसे पहले बताया जाता है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या, सिमत बताया जाता है। और दूसरा जो चीज़ है वो है टाइम, यानी वक्त बताया जाता है, वक्त के बारे में कुछ बताया जाता है। और तीसरा जो है वो है प्लेस, यानी जगह के बारे में बताया जाता है। देखिए, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल एक देता हूँ, जैसे आई एम इन द क्लासरूम। यहाँ पर आई एम इन द क्लासरूम, यानी मैं क्लासरूम के अंदर हूँ। अब यहाँ पर आई क्या है, आई एक नाउन है, सॉरी आई एक प्रोनाउन है, हाँ, और क्लास क्या है, एक नाउन है। अब नाउन और प्रोनाउन का ताल्लुक हमने पढ़ा है कि प्रीपोजिशन की तारीफ हमने देखी है। प्रीपोजिशन किसको कहते हैं, नाउन और प्रोनाउन इन दोनों को, और इन दोनों के अलावा जो दीगर वर्ड्स हैं सेंटेंस के अंदर, उनका जो ताल्लुक जोड़ने का काम करता है उसको क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्रोनाउन को और नाउन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इन, यानी मैं कहाँ पर हूँ, जगह बता रहा है, क्लास के अंदर हूँ, इसका ये प्रीपोजिशन का काम इन कर रहा है। चलिए, हम इसको इस्तेमाल करना, इस तरह से इस्तेमाल होता है, हम सारी चीज़ें एक के बाद एक समझते जाएंगे। आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अब हम देखेंगे कि ऑन इस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किस तरह से होता है, ऑन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, किस तरह से होता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि किसी चीज़ के सरफेस को, यानी सतह को बताने के लिए ऑन का इस्तेमाल होता है। अब किसी चीज़ का सरफेस को बताने के लिए, अब ये जो मेरी सतह है, सतह, सरफेस मतलब क्या, सतह, ये मेरा हाथ क्या है, ये सतह है, और इसके ऊपर अगर कोई चीज़ मैं रखता हूँ, इसके ऊपर अगर कोई चीज़ रखता हूँ तो सतह के ऊपर होंगी। दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसे जो ऐसे सतह होती है, सतह नुमा होती है, ऊपर की जो ऊपरी हिस्सा की होती है, ये सारी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सरफेस कहते हैं, सतह कहते हैं। अब इस पर कोई भी चीज़ रखी हुई है, इस जगह को बताने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑन इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, एग्जाम्पल देखिए, द बॉल इज़ ऑन द टेबल, द बॉल इज़ ऑन द टेबल। बॉल कहां पर रखी हुई है, हाँ, बॉल यहां पर क्या है, एक नाउन है, और टेबल क्या है, एक नाउन है। अब दोनों नाउन इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ऑन टेबल पर रखा है। बॉल कहां पर रखा है, टेबल पर रखा हुआ है। सेकंड एग्जांपल देखिए हमारा, द पेन इज ऑन द डेस्क,
द पेन इज ऑन द डेस्क। पेन कहाँ पर रखी हुई है? डेस्क के ऊपर। यहाँ पर भी हमारा ऑन इस्तेमाल हो रहा है, यानी ये ऑन भी हमारा क्या है, सही है, हाँ, क्योंकि दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ऑन। अब थर्ड सेंटेंस देखिए, यहाँ पर थर्ड सेंटेंस लिखा है ही इज ऑन द बस स्टॉप। ही इज ऑन द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप के ऊपर है। आमतौर पे हम उर्दू में जबान में जब बोलते हैं तो क्या कहते हैं, वो कहाँ पर है अभी, वो अभी बस स्टॉप के ऊपर है। क्या वो बस स्टॉप के ऊपर चढ़कर बैठा है? नहीं। हम इसको उर्दू से समझने की कोशिश करेंगे तो हम इसको समझ नहीं पाएंगे। इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर इस्तेमाल होता है अंग्रेजी के अंदर, इसको प्रॉपर समझना बहुत ज़रूरी है। इसको हमको समझने के लिए सारी चीज़ों को, बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। यानी ये सेंटेंस यहाँ पर ऑन नहीं इस्तेमाल हो सकता क्योंकि वो ऊपर नहीं है। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, हम ये आगे हमारे आने वाले प्रीपोजिशन के अंदर देखेंगे। तो ये सेंटेंस यहाँ पर गलत है, हम इसको इस तरह से नहीं कह सकते। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि ऑन का और एक इस्तेमाल क्या होता है। ऑन जो है दिन और तारीख को बताने के लिए और दिन और तारीख को दिखाने के लिए भी ऑन का इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए एग्जांपल, देखिए सेंटेंस यहां पर बता रहा हूं, वी विल कम ऑन मंडे, वी विल कम, सॉरी ही विल कम ऑन मंडे, हाँ, वो कब आ रहा है, ऑन मंडे। दिन और तारीख से पहले हमको क्या करना है, ऑन का इस्तेमाल करना है, यानी वो कब आ रहा है, वो मंडे को आ रहा है, इस तरह से हमको इस्तेमाल करना है। दे मेट मी ऑन संडे, दे मेट मी ऑन संडे, वो मुझे कब मिला, संडे को मिला था। यहाँ पर भी ऑन इस्तेमाल हो रहा है, यानी ये पर भी, ये भी सही है। तो चलिए हम और देखते हैं कि ऑन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं ऑन का और एक इस्तेमाल क्या है, यानी किसी मशीन यानी डिवाइस, मशीन और डिवाइस को दिखाने के लिए ऑन का इस्तेमाल होता है। किसी मशीन, अब मशीन क्या क्या है, हमारा मोबाइल फ़ोन है, टेलीविज़न है, कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, ये सारी मशीनें हैं। इन मशीनों का इस्तेमाल करते वक्त में हम क्या करते हैं, ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि ही इज़ ऑन द फोन। अब ऑन द फोन क्या, वो फोन के ऊपर है क्या, नहीं है। ही इज़ ऑन द फोन, यहाँ पर ऑन आया ना, ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ऑन यानी वो फोन के ऊपर है, यानी फोन पर बात कर रहा है, वो फोन के ऊपर है, फोन के ऊपर बैठा हुआ। और कहाँ पर ऑन का इस्तेमाल होता है, जैसे बॉडी के पार्ट को दिखाने के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे माई मदर किस्ड मी ऑन फॉर हेड, मेरी माँ ने मुझे किस किया, कहाँ किया, फॉर हेड, पेशानी पर मुझे मेरी माँ ने किस किया, इस तरह से ऑन का इस्तेमाल होता है। बाकी प्रीपोजिशन के इस्तेमाल भी हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। ये आज का लेसन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, यही हमारे मेहनत का फल है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन का बटन है उसको भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और हमारे वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।